India has a vibrant history with various art forms still seeping through in our daily lives. Like Kullad Chai, which is quite famous and still seems to thrive in today's time. This comes from an art form with a long history. The traces of Indian pottery goes back to the time of the Vedic period, Indus Valley civilization, and also the Mughal period. The Muslim rulers encouraged the potters from Persia, Central Asia, and the Middle East to come and settle in India. This historical art form needs some form of encouragement again. With the current situation, its days of struggle in history would outnumber the days of this art form's glory. Located in Uttam Nagar, Kumar Colony is full of households doing the same thing, pottery. The whole family participates in the process even after its necessity of a lot of skills. The colony has potters who are national award winners and some waiting in line to win one. And also some who spend 10 plus hours every single day on their work, which would go on to sell at insignificant prices. ये हर जगह जाता है, यहाँ पे बाहरी मतलब आते हैं तो वो खरीद कर ले जाते हैं, फिर वो एक एक करके बेचते हैं। क्या कीमत बेचते हो आप? हमारे पास देखिए लगा छोटे से लेके बड़ी चीज है। तो भैया जैसे ये इसमें आपको कितना टाइम लगा इसको बनाने में? पूरा एक पीस को मतलब लग जाता है, मतलब कल तो मतलब इसको उसमें सांचे में डाले हुए थे, आज इसकी सफाई कर रहे हैं, फिर अब ये सूखेगा उसके बाद में फिर भट्टे पर जाएगा। When asked about his kids and their future, he told us how situational their choices are. Yeah, आप कहें कि उनका जो मन है वो क्या है? नहीं, मन तो मतलब विशेष तो यही कि कहता है कि मतलब कुछ दूसरा काम करें। अच्छा। अगर तो नहीं मतलब फिर मिलता है दूसरा काम तो मजबूरी है काम करना। वो बढ़ लेता है मेरे ख्याल से। 50% तो सब बच्चे सीख जाते हैं। सीख जाते हैं, देखते देखते। फिर भी ये बहुत मुश्किल है, मतलब देखते देखते सीखना। It was interesting to know what the next generation thinks about pottery and their own future. टीचिंग में आपको किसमें? अगर मम्मी पापा कभी बोले कि हमारा जैसे कि वो लोग करते आ रहे हैं ना ये सब, अगर वो बोले कि अगर आगे आपको भी करना चाहिए तो करोगे या फिर बिल्कुल नहीं? कभी उन्होंने कहा कि इसको सीख लो? नहीं, अच्छा नहीं कहा। उन्होंने बोला जो तुम्हारी मर्जी है वो करो। घर पे जैसे कि पापा क्या करते हैं? मेरे पापा यही काम करते हैं जो अभी दिख रहा है। अच्छा, ये हर दिन करते हैं आपको? रेगुलर। अच्छा, और मम्मा? मम्मा भी यही करती है। मम्मी ने अभी मैंने बात करी थी, मम्मा कहती है अभी कहीं जा रही हैं, वो क्या काम करती है? वो मिट्टी मीटने से इसका जो ये बनेगा जिस चीज से उसका काम करने के लिए जा रही है। अच्छा, मिट्टी। आपको है बिल्कुल भी इंटरेस्ट पॉटरी में? मतलब इसमें थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं। 7th, 8th, 9th, 10th बेस्ट। आपके कॉलेज अब सीधा? ये तो कॉलेज करी थी। अच्छा, तो डायरेक्ट टीचिंग में जाएगी, बीएड भी नहीं करेगी। तो आपका डिसाइडेड है टीचिंग है अभी आप सोच रहे? नहीं, मेरा डिसाइडेड है। आपका भाई इस गली में? हम तो इसी दूसरे में कलोनी बनी है ना, जब का आया हुआ है हमने खेत का केतल में पलोट खरीदा हुआ। हाँ, एक खेती ही। अब तो पूरा मार्केट बन गया। अब तो पूरी मार्केट बन गई। They also mention how the demands of products has changed over the years. फैंसी आइटम बनानी होती है। हाँ हाँ, फैंसी मांगता है, गमलों में फैंसी मांगता है। गमले भी फैंसी मांगते हैं। दिवाली के टाइम होता होगा थोड़ा काम भी ज्यादा होता होगा। हाँ, दियो बहुत पहले से मेहनत करनी पड़ जाती है। हाँ, और क्या, अभी से लगा, अभी से लग लग के नहीं, दिवाली के लिए अभी से लग रहा है, अभी से लग लग 5-6 महीने की लागत है अभी आपकी दिवाली की तैयारी शुरू। हाँ,
कुछ बिकेगा जो बिक जाएगा, नहीं बिकेगा तो हम जल्दी बेचेंगे। दिवाली पे हमारा सारा माल सारा माल सारा निकल जाएगा, सारा निकल जो अभी से बना के तब हाँ, तक सारा निकल जाएगा। हाँ, पूर्ति नहीं होती हमसे कि हम ये वाली चीजें गली से उठाएंगे और ये वाली चीजें बाहर से मंगाएंगे। हाँ, तो आप गली से क्या चीजें उठाते हो? गली से जैसे गमला हुआ, हाँ जी, करवा कमोई, और बाहर से बाहर से फैंसी आइटम। यहाँ पे इतना बनता नहीं है गली में ये आइटम, और 15-16 साल में थोड़ी बिक्री में फर्क आया है क्या? हाँ, पहले भी कलर का माल ज्यादा था, अब सब कलर का माल, अब सारा कलर। और पर बिक्री अभी बिल्कुल उतनी उतनी है, वो बढ़ाते नहीं, मछली बोलते कहते चले जाते। अच्छा, ये जो मूर्ति है सबसे ऊपर रखी है, ये अभी कितने की है? हाँ जी, हनुमान जी की कितने की है? 70 रुपये की। और अगर ये आप 10 साल पहले बेच रहे हो तो तब कितने की होती? 10-5 का फर्क। वो आई थी ना MCD वाले, MCD क्या बोल रहे हैं वो? कह रहे भट्टियों को बंद कर। अच्छा, वो लगी थी। और फिर अब अचानक क्या, या तो वो हमें नौकरी दे, 3 मांग करी हमने, या तो नौकरी दे या हमें कहीं जमीन दे। क्या हमें भट्टी की सुविधा दे, सुविधा दे। In late August 2019, Nitin Gadkari announced that Kullar Chai would be available in all railway stations. Gadkari also stated that he would distribute electric wheels and this would help the business in a huge way. The potters have kept their demand in front of the Supreme Court, and one of the biggest contributors of this effort has been Mr. Harikishan, who is a national award winner for pottery and is also the Pradhan of the area. He has been in the colony from the very start and has been practicing pottery for years now. However, he tells us that the struggle for potters is not so new. So, 9th May, जितने भी हमारे गांव में जितने किस्म की पॉटरी होती थी, चाहे वो आम यूज़ की हो, त्योहारों की हो, पूरे पूरे उसमें परफेक्ट हो गया था। मैं 9th क्लास में था जब, मैं 9th तक, हाँ, तो सीखने का पीरियड तो पहले हो गया उसका। और फिर 9th में तो पिताजी को कह दिया, वो हराम करो बस, अब मैं पॉटरी में कर लूँगा। तो अगर आपको किसी को पॉटरी समझानी हो, हाँ, जिसको ज़्यादा आइडिया ना हो, तो आप उन्हें कैसे समझाओगे? तो पॉटरी समझाने के लिए सबसे पहले तो मिट्टी से शुरू होता है ये। हाँ जी, मिट्टी किस प्रकार की होनी चाहिए? कुछ हैवी होते हैं, कुछ हल्के हल्के होती है, तो उनकी मिट्टी अलग अलग होती है। हाँ जी, ज़्यादा हैवी में ज़्यादा चिकनी नहीं चलती है। फिर उसके बाद में पॉटरी पहले मिट्टी का सिलेक्शन कर लें, फिर टूल्स का सिलेक्शन करो, क्या क्या टूल चाहिए होंगे, किस प्रकार की पॉटरी में, उसके हिसाब से समझाया जाता है इसको। काफ़ी बारीकी का काम है, हाँ, हर चीज़ बहुत इसमें जो ना, कुछ लोग पॉटरी को बहुत हल्के में लेते हैं। ये दरअसल साइंटिस्टों का काम है ऐसे। तो पहले आज से कोई 20-25 साल पहले ना, हम जैसे लोगों को बड़ा इस्तेमाल करते थे लोग, एक्सपोर्टर लोग। अच्छा, जो बिजनेस मैन है तो वो हमारे से सस्ते भाव मंगवाते थे, और वे बोलते थे भाई विदेश में जाने के लिए हम यहाँ आपके यहाँ से लेकर जाएंगे, फिर इसकी पैकिंग करेंगे, फिर इसका किराया लगेगा, कुछ हवाई जहाज में जाएंगे बात करने के लिए, फिर चिप में भेजेंगे आगे, फिर उसको देंगे, उसको बायर को देंगे, बायर फिर डीलर को देगा, डीलर फिर दुकानदार को देगा, दुकानदार फिर बेचेगा, तो कितनी सीढ़ियाँ हैं। तो ऐसे कर बोल बाल करके बड़ी झूठ बोलते थे। फिर अच्छे कारीगर आते आते फिर अवार्ड का भी पता लगा, भाई अच्छी कारीगरी से अवार्ड मिलते हैं, अवार्डों की तरफ भी ध्यान आया, अवार्ड मिले तो फिर अच्छी अच्छी जगह डेमो करना है, भाई आप लोग जाओ डेमो करने, बाय गवर्नमेंट हम विदेशों तक डेमो करने के लिए गए। ये चलते चलते ये दिन आ गए, इसमें कई सारे अवार्ड हमें मिले हैं, गिरिराज को भी मिले हैं, नेशनल अवार्ड इनको भी मिल चुका है। हमारे से पूछते हैं ब्रेकेबल है ये, टूटेगा ये? रेट सुनते अच्छी चीज़ बनाते ना, रेट सुनते टूटेगा, ताना से ही मारते हैं अभी कुछ लोग, अंडरग्राउंड ताना मारते हैं हमारे को। मैं उनको एक ही बात बोलता हूँ कि टूटने में तो कौन सी चीज़ ऐसी टूटती नहीं, बताइए, तू ठोकर खा के गिर जाए, मैं गिर जाए तो हमारे भी कुछ ना कुछ टूट जाएगा। सरकार का मेन मकसद होना चाहिए गाँव में जो
लोग भाग रहे हैं, गुजारा नहीं होता है, तो गांव की तरफ शहर की तरफ भाग रहे हैं ना, सब परेशान उससे। अगर हमारा गांव में इंतजाम होता जो मैंने पहले बताया आप लोगों को, हम क्यों आते हैं गंदगी में? छोड़ने की जरूरत ना, हमें जरूरत नहीं पड़ती। ये अगर जो इनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों को ऑर्डर नहीं दिया या सरकारों ने कुछ नहीं सोचा, ये पोल्ट्री खतरे में है, खतरे में, बगैर पके तो बिकेगी नहीं। The story of potters is somewhat like the diyas that we were able to make in our first attempt. It's not sculpted sharply and has its own scars and imperfections, but yet it holds its shape and for us it's just fine. Pottery is not just intensive work for several hours, it requires a lot of skill that one sharpens over the years. The struggle is not yet over though. The future seems uncertain for the art and these people who have kept it alive, yet they seem hopeful. Pottery is an art and it's important to see it as one. So hopefully we start appreciating the kullad as much as we appreciate the chai.